नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को या आयरन की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। नॉर्मली एक स्वस्थ मेल में और स्वस्थ फीमेल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? स्वस्थ फीमेल में 12 से 14 और स्वस्थ मेल में 13 से 15-16 तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बहुत अधिक एनीमिया देखने को मिलता है। बहुत अधिक प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स को, लैक्टेटिंग फीमेल्स को, उनको तो बहुत ही अधिक खून की कमी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में ये खून की कमी के या जिसे एनीमिया हम बोलते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरल और होम्योपैथिक उपायों के द्वारा। तो सबसे पहले एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है? सबसे पहले तीन इसके कारण हो सकते हैं मेन। पहला, खून में डिक्रीज प्रोडक्शन के कारण। दूसरा कारण हो सकता है ब्लड लॉस के कारण। और तीसरा, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बहुत अधिक हो रहा है तभी एनीमिया देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ब्लड लॉस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ब्लड लॉस के, जैसे गिरने के कारण, चोट के कारण, पाइल्स या बवासीर की समस्या वाले लोगों को भी ब्लीडिंग की समस्या होती है और उनको खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर वालों को, हैवी ब्लीडिंग जिसको हो रही हो पीरियड्स के समय पर, ऐसी फीमेल्स को, तो ये सब जो कारण होते हैं ब्लड लॉस के कारण होता है। जब बॉडी में ब्लड लॉस होगा तो हमें हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और खून की कमी हो जाएगी। दूसरा कारण होता है डिक्रीज प्रोडक्शन के कारण। कई कई बार एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो ही आपका अगर नहीं बना पा रहा है प्रॉपर हीमोग्लोबिन, तो इसके कारण भी आपको खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई बार हम डाइट में ही कम ले रहे हैं, डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं या न्यूट्रिशियस चीजें ले रहे हैं लेकिन वो सारी चीजें जिसमें आयरन होता है वो चीजें अगर हम नहीं ले रहे हैं तो खून की कमी हमको हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कई कई बार हम जब एंटासिड्स लेते हैं या जो एसिडिटी की टैबलेट जैसे पेंटॉप आदि लेते हैं, तो ये सारी टैबलेट्स भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। इसके कारण आयरन हम लेते तो हैं लेकिन वो आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और खून की कमी एनीमिया हमको देखने को मिलता है। तीसरा एक और कारण होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। कई बार सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसीज हसिया के आकार की हो जाती हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया या कभी कभी स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज जब बढ़ जाता है या उस पर स्वेलिंग होती है, तो उसके कारण भी खून की कमी हमें फ्रेंड्स देखने को मिलती है। तो हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपकी आईज में पीलापन देखने को मिल सकता है, बॉडी में पीलापन देखने को मिलता है, नेल्स में आपके येलोइस देखने को मिलते हैं, कई कई बार नेल्स स्पून के शेप के भी हो जाते हैं। इसके अलावा टंग में भी पीलापन देखने को मिल सकता है, आपको स्वेलिंग की समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत थकान हो सकता है, कई कई बार फीवर जैसा भी लग सकता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, हार्ट में पैल्पिटेशन की समस्या होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी धड़कन जो है वो बहुत तेज चल रही है। तो ये सारी समस्याएं हमको आयरन डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इसका नेचुरली हम कैसे, नेचुरल तरीकों से हम कैसे आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। खाने में अगर हम पालक या हरी सब्जियां बहुत अधिक लेते हैं, सभी प्रकार की भाजियां, धनिया, इसके अलावा दालें, बीन्स, ये सारी चीजें, राजमा और सभी प्रकार की दालें जब हम लेते हैं तो हम इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खा सकते हैं, तो इन सब कारणों के कारण हम हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को खत्म कर सकते हैं। चुकंदर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, ये सब चीजें हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो मोटे अनाज होते हैं जो हमारे पुराने जमाने में चला करते थे, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का और मुनक्का, इन सब चीजों को लेने से भी आयरन की डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम जानते हैं जैसे हमारा जो योगा है,
जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, इनको करने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और इनसे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी जो होती है आयरन की, उसको उससे लड़ने में हमें हेल्प मिलती है। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो जरूर ही करना चाहिए। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन होती है फेरमफॉस 6X। इसकी 4-4 गोली दिन में आपको 3 बार लेना है। किसी भी प्रकार की एनीमिया को दूर करने में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दूसरी मेडिसिन होती है फेरमेट। फेरमेट का जो पेशेंट होता है उसको पैल्पिटेशन की बहुत समस्या होती है। पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है डॉक्टर साहब थोड़ा ही चलते हैं तो हमको बहुत, हमारा दिल जो है धड़कने लगता है, तो उसको हमको फेरमेट देना है। फेरमेट 200 की दो दो बूंद दिन में 3 बार लेना है। और अगर गोलियों में ले रहे हैं तो 6-6 गोली दिन में 3 बार आपको लेना है। तीसरी मेडिसिन आती है चाइना। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो या कभी हेमरेज हुए हो, चोट हुई हो जिसके कारण आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हुआ हो, ब्लड लॉस के कारण जब भी एनीमिया होता है तो उसको हम चाइना, उस पेशेंट को हम चाइना देते हैं। चाइना 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसके अलावा सबसे अंतिम मेडिसिन होती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर जो मेडिसिन होती है वह हम पेशेंट को देते हैं जब पेशेंट को बहुत थकान होती है, तो हम नेट्रम्यूर देते हैं और पेशेंट बहुत वीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक अंतिम मेडिसिन होती है लेसिथिनम। लेसिथिनम इतनी अच्छी मेडिसिन होती है कि 8 दिन में ही आपकी एनीमिया को ठीक कर देती है। इसकी लेसिथिनम 200 की 6-6 गोली दिन में 3 बार लेना है या 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।